बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त को दादर मुंबई में हुआ था। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की ट्रेजेडी क्वीन के नाम से याद रखा जाता है। उनका निजी जीवन कांटों से भरा रहा। उनका असली नाम महजबी बानो था। जब मीना कुमारी का जन्म हुआ था तो उनके पिता अली बख्श और माँ इकबाल बेगम के पास डॉक्टर को देने के लिए पैसे तक नहीं थे। ऐसी हालात में दोनों ने यह तय कर लिया था कि वह बच्ची को मुस्लिम यातिम खाने में दे देंगे। देकर आ भी गए, लेकिन पिता का मन नहीं माना और वापस जाकर बच्ची को घर ले आए। मीना कुमारी को उनके करियर में जिस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो फिल्म थी पाकीज़ा। मगर क्या आप जानते हैं कि मीना कुमारी इस फिल्म में काम नहीं करना चाहती थी। दरअसल कमाल अमरोही जो मीना कुमारी के पति थे वे इस फिल्म में निर्देशक भी थे। कमाल और मीना के बीच बढ़ती दूरियां का असर इस फिल्म पर भी पड़ा और मीना ने इस फिल्म में आगे काम करने से मना कर दिया। ऐसे में एक ऐतिहासिक फिल्म का अस्तित्व खतरे में पड़ता नजर आया। तभी नरगिस दत्त और सुनील दत्त ने इन दोनों कलाकारों को इस फिल्म को पूरा करने के लिए किसी तरह राजी किया। उन दिनों मीना कुमारी की तबीयत काफी खराब रहती थी, मगर इसके बावजूद उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग की और ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास की मास्टरपीस मानी जाती है।